हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फ्लारा। फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल्स में मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ होम टैब की। और होम टैब्स में खुलने वाले रिबन की पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और कुछ फ्रेंड्स अधूरी भी होने वाली है, क्योंकि अगर मैं कम्प्लीट बताऊँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनकी वीडियो मैं आगे आने वाले टाइम पर डालूंगी, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को पूरी देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एमएस एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे एक शीट मैं पहले से इंसर्ट कर चुकी हूँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक शीट इंसर्ट हो चुकी है और ये एक रिबन है और इस रिबन में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस शीट को मैंने पहले से इंसर्ट करके रख रखा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रो नंबर लिखा है और रो नंबर यहाँ पे दो लाइन में आया है, तो इसे हम सिंगल लाइन में देने के लिए ऊपर डी और ई के बीच में माउस पॉइंटर रख के ड्रैग करेंगे। और ये सोशल साइंस में भी सेम ऐसी है, तो इसको भी हम ड्रैग करके कर सकते। किसी भी कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो ऊपर हम पेन में आएंगे और उसको ड्रैग करके बढ़ा देंगे। उसी तरह से अगर हमें रो की भी बढ़ानी है, कम ज़्यादा हाइट कम ज़्यादा करनी है, तो यहाँ से हम नंबर में आएंगे, सेंटर में रख के इसको ड्रैग कर देंगे। अब मैं कट कॉपी पेस्ट बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली लाइन को यहाँ पे जो हेडिंग वाली लाइन है इसे कॉपी कर सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम दूसरे सेल में हम कर्सर को रखेंगे और तीन नंबर रो में रखा है और पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुका है और अब हम आगे बढ़ेंगे, कट में आएंगे। तो कट में आने के लिए भी हम पहले कॉपी कर लेते हैं और कट करते हैं। कट करने के बाद फिर से इसे हम पहले सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, कट करते हैं और कट करने के बाद कर्सर को फिर से एक नए सेल में रख के पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम कट कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे पेस्ट में देखेंगे तरह तरह के यहाँ पे ऑप्शन है, तो अब थोड़ा सा इनका भी यूज कर लेते हैं। तो सब इसके लिए भी हमें पहले शीट को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं शीट को थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने परसेंटेज वाली को डिलीट मार दिया है। और इसको करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि पेस्ट ऑप्शन को बताने से पहले मैं यहाँ पे सम वाला ऑप्शन बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा सेल ले, यहाँ से मैंने सारे सब्जेक्ट लेके एक्स्ट्रा कर दिया। ऊपर ऑटो सम लिखा है, ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है, 392 आ चुका है। तो आप देखेंगे नीचे टास्क बार में भी देखेंगे, टास्क बार में भी यहाँ पे 392 सॉरी स्टेटस बार में भी यहाँ पे 392 आंसर आया है। और इसको हम डुप्लीकेट यहाँ से इसका लेने के लिए कंट्रोल डी या फिर ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए सारे आंसर ऑटोमेटिक आ चुके हैं। तो ये हम शॉर्टकट ट्रिक होती है, इसको हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एरर भी आए हैं तो इसे हम इग्नोर भी कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और छोटा सा आइकन बना है उसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको हम इग्नोर करते जाएंगे। तो देखिए इग्नोर कर रहे हैं, हम इग्नोर एरर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सारे जितने भी एरर आए हैं इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। इसमें एरर बहुत आते हैं फ्रेंड्स। अगर एरर आते हैं तो क्या होता है कि आप फार्मूला लगा रहे हैं लेकिन आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, और बार बार आप सही फार्मूला लगा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, तो ये एरर की वजह से होता है। तो इसलिए आप जितने भी एरर आते हैं उन्हें आप रिमूव कर दीजिए। और उसके बाद अब हम पेस्ट में आएंगे। तो सेलेक्ट मैं कर चुकी हूँ, कॉपी भी कर चुकी हूँ। पेस्ट में आते हैं, पेस्ट फार्मूला। फार्मूला में मैंने जैसे पेस्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर फार्मूला भी आ चुका है, यानी कि किसी भी फार्मूला लगी शीट को अगर हम पेस्ट करते हैं कॉपी करके और उसका फार्मूला विथ फार्मूला हमें चाहिए तो उसके लिए हमें फार्मूला ऑप्शन यूज करना होता है। तो इसे मैं दोबारा से सेलेक्ट कर रही हूँ केवल फार्मूला वाले को और फार्मूला से फिर देखिए फिर दोबारा से कर रही हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर 00 आया है लेकिन फार्मूला ऊपर आ चुका है। तो अब अच्छे से समझ चुके होंगे कि किसी भी शीट को कॉपी करने पेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन यूज करना है। नेक्स्ट हम आते हैं पेस्ट वैल्यूज। अगर केवल वैल्यू आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पेस्ट वैल्यू में आएंगे और पेस्ट वैल्यू में देखेंगे फार्मूला नहीं आया है लेकिन केवल वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे डेट कर देते हैं और डेट करने के बाद हम फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट में आते हैं। अब नो बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए और अपने फॉर्मेट लगाए हुए बॉर्डर नहीं चाहिए उसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, नो बॉर्डर करेंगे। तो जब दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नो बॉर्डर, यानी कि आपके जो नंबर हैं टोटल हैं वो तो पेस्ट हो गए लेकिन बॉर्डर पेस्ट नहीं हुआ है। और फिर से हम इसको कॉपी करके
दोबारा से पेस्ट में जाते हैं और यहाँ पे आप ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्रांसपोज ट्रांसपोज में क्या होता है, जो कि सीट हमने सेलेक्ट की है वो वर्टिकल में आ जाएगी। देखिए पहले हॉरिजॉन्टल थी और वर्टिकल में आ चुके, सारे नंबर इसके वर्टिकल में आ चुके हैं, तो इसे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं पेस्ट लिंक में। पेस्ट लिंक में केवल लिंक हमारा पेस्ट होगा, बाकी हमारा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए केवल लिंक तो पेस्ट हो गया, इज इक्वल टू ऊपर लिखा हुआ है देखिए, यानी कि कौन से सेल का, कौन से नंबर्स का जो सेल है वो नंबर आ चुका है। यहाँ पे देखिए 392 इस समय हमारा L9 है, तो यहाँ पर L9 आ चुका है। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे L नंबर का नंबर कॉलम है और 9 नंबर रो है, तो इस सेल का एड्रेस है 392। 338 का जो लिंक नंबर है वो इज इक्वल टू L16 है। तो इस तरह से किसी भी सेल का लिंक यहाँ पे पेस्ट होगा। तो इसे भी हम डिलीट कर देते हैं और फिर से हम इसे कॉपी पेस्ट करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आते हैं। पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे ऑप्शन हैं फ्रेंड, और इस ऑप्शन को मैं आगे आने वाली वीडियो में डिटेल से बताऊँगी, तो इसको हम फिलहाल तो अभी स्किप करते हैं। अब हम आते हैं फॉन्ट में। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज करेंगे, ऊपर फॉन्ट ऑप्शन से फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट साइज से आप फॉन्ट को स्मॉल साइज और लार्ज साइज कर सकते हैं। उसी के बगल में ग्रो फॉन्ट आता है, ग्रो फॉन्ट से फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं और श्रिंक फॉन्ट से फॉन्ट को श्रिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन ऑप्शन का यूज करेंगे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो एम एस वर्ड में आपको डिटेल से बता चुकी हूँ, और मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब बॉर्डर ऑप्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर आप बॉर्डर ऑप्शन में अगर किस तरह का बॉर्डर चाहते हैं तो यहां से डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने नो बॉर्डर किया था और फिर से मैं इसे बॉर्डर दे रही हूं। तो ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं फ्रेंड्स, इसको तो आप क्लिक करके भी सीख सकते हैं और एमएस वर्ड में डिटेल से पहले बता चुकी हूं। अब देखिए ऊपर मुझे सेल में ना कलर चाहिए था तो शेडिंग में आ गए, और सीट का कलर चेंज करना है तो आप शेडिंग में आएंगे, और सीट में जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करने के लिए आपको फॉन्ट कलर में आना होगा। तो यहाँ से फिलहाल तो मैं यहाँ पे नो बुक फिल कर देती हूँ और ऊपर की मैं हेडिंग सेलेक्ट कर लेती हूँ, और हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर में आ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, इसे ज़्यादा समझने की जरूरत, तो ये बहुत सी बेसिक चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एमएस वर्ड में बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं अलाइनमेंट में। तो यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट का अलाइन सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टॉप बॉटम मिडिल तरह तरह का यहाँ पे अलाइनमेंट है, यहाँ पे 6 अलाइनमेंट है। 6 अलाइनमेंट में जैसा आपको अपने टेक्स्ट को सेट करना है वैसे आप कर सकते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि हो चुका है। और उसके बाद हम सीट को फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट, इससे क्या होता है टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट में सेट करने के लिए होता है। तो देखिए मैं डिक्रीज इंक्रीज कर रही हूँ तो हमारा टेक्स्ट जो है नेम वाला बॉक्स का टेक्स्ट इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन आता है, यानी जिसे ओरिएंटेशन कहते हैं। अगर आपने सेल का ओरिएंटेशन टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ओरिएंटेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक अलग सीट में कुछ टाइप कर लेती हूँ पहले, और टाइप करने के बाद उसको मैं उसका ओरिएंटेशन चेंज करके आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं SCIENCH साइंस मैंने टाइप कर लिया है, और ओरिएंटेशन में आप देखेंगे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखिए इसकी हाइट थोड़ी सी कम है तो इसकी हाइट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको मैंने बढ़ा दिया। देखिए ओरिएंटेशन से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आपको अगर स्टाइलिश बनाना है सीट को तो यहाँ से ओरिएंटेशन से आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं रैप टेक्स्ट में। रैप टेक्स्ट में अगर आपका टेक्स्ट एक सेल में अगर आप टेक्स्ट टाइप करते हैं और वो आपका मैटर ज़्यादा है, तो उस पोजिशन में क्या होता है कि आपका मैटर दूसरे सेल में आ जाता है, जिससे उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमारा एक सेल में टेक्स्ट ज़्यादा होता है उसके लिए हम फॉर्मेट सेल करते हैं। तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मैटर है वो एक सेल में सेट हो जा रहा है। तो किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको रैप टेक्स्ट करना है या फिर सेल फॉर्मेटिंग में आना है। तो अभी तो मैं रैप टेक्स्ट बता रही हूँ केवल, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का यूज का मतलब हो गया कई सेलों को मिलाकर एक सेल बनाना। तो पहले आपको जितने सेल मर्ज करने उन्हें सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे जाना है, और मर्ज एंड सेंटर में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे आना है मर्ज एंड सेंटर। तो देखेंगे कई सेलों को मिलाकर एक बड़ा सेल बन चुका है, और ये देखिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर भी दे दिया तो एक बड़ा सेल बन चुका है। तो इस तरह से देखिए जूम करके आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक बड़ा सेल हो चुका है। इसे अगर अनमर्ज करना है उसी ऑप्शन में जाके आपको क्लिक कर देना तो ये अनमर्ज हो जाएगा। तो कई सेलों को मिलाकर एक सेल बनाने को कहते हैं मर्ज करना। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जनरल का।
तो अब हम जनरल का यूज करेंगे। और यहाँ पे जनरल में ऑलरेडी हमारे नंबर हैं, तो यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, नंबर दे रखा है, करेंसी दे रखी है, अकाउंटिंग दे रखी है। तो आप अपने नंबर को किस फॉर्मेट में देना चाहते हैं ये उसके लिए होता है। जब इन्हें आप क्लिक कर करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे करेंसी में किया तो मैंने करेंसी में आपका मेरा नंबर हो चुका है, और अकाउंटिंग में करूँगी तो यहाँ पे एक नंबर अकाउंटिंग में हो चुका है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लॉन्ग डेट में करके देखा तो यहाँ पे लॉन्ग डेट आ चुकी है, और शॉर्ट डेट में देखा तो शॉर्ट डेट आ चुकी है, और यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज। तो इस तरह से आपको जैसा भी फॉर्मेट यहाँ पे चाहिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फिलहाल इसे हम जनरल कर देते हैं, ये जनरल हो चुका है। उसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ शॉर्ट में भी दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी विड्थ कम कर दी है, और यहाँ पे कुछ शॉर्ट में भी दे रखा है। अगर आप अपने नंबर को यहाँ पे शॉर्ट में परसेंटेज में कॉमा में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिक्रीज इंक्रीज, ये होता है डेसिमल प्लेसेस को कम और ज़्यादा करने के लिए होता है। तो किसी भी डेसिमल प्लेसेस को कितने पॉइंट तक आप देना चाहते हैं उसके लिए होता है, उसके लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेलेक्ट कर चुकी हूँ, और हम डेसिमल प्लेसेस को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ से अब मैं वापस इसको इंक्रीज कर दूँगी, डिक्रीज से डिक्रीज कर देते हैं। तो डिक्रीज करने के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वापस ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और नेक्स्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको थोड़ा सा हम फिर से जूम इन कर लेते हैं, और यहाँ से मैंने स्मॉल साइज कर लिया है, और सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, यहाँ से हाईलाइट सेल रोज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन यानी कि आपकी सीट में जो 6170 नीचे आप देख रहे होंगे, 6170 से ऊपर जो ग्रेटर नंबर है वो हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे 100 मैंने 100 टाइप कर दिया, तो 100 से ऊपर जितने भी नंबर हैं वो हाईलाइट कर रहा है। तो यानी कि आप यहाँ पे डालेंगे नंबर, जिस नंबर से बड़ी संख्या आप चाहते कि हाईलाइट हो वो यहाँ पे डालेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टॉप उसी के अंदर लेस देन भी है, तो यानी कि आप 6170 से नीचे के जितने नंबर है यहाँ पे अगर हाईलाइट करना चाहते तो देखिए 6170, और 100 क्या, तो 100 से नीचे जितने भी नंबर हैं सारे हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई जाती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं तरह तरह के नंबर्स बार बार डाल डाल के देख रही हूँ, तो जितने नंबर्स डाल रही हूँ वही नंबर उससे डाउन साइड वाले नंबर जितने भी हैं लेस देन वाले नंबर हाईलाइट हो। तो उसी तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए आप इनको फ्रेंड्स देखिए जब ये, तो इस तरह से फ्रेंड्स जब आप इसे प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए मैं इक्वल टू का भी कर रही हूँ, तो मैंने 100% यानी 100 लिखा है, तो 100 नंबर जहाँ जहाँ हैं वो हो चुके हैं और हाईलाइट हो चुके हैं। और उसके बाद देखिए 60 नंबर लिखा है, तो 60 नंबर जहाँ जहाँ होंगे वो हाईलाइट हो चुके होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर टॉप 10 आइटम जो हमारे इस सीट में टॉप 10 आइटम हैं उनको अगर हमें हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। देखिए और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर देती हूँ, तो यहाँ पर मैंने टॉप की जगह पे 5 कर दिया, तो 5 जो टॉप नंबर है वो हाईलाइट हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे 1 करती हूँ तो सबसे लास्ट जो हमारा हाईएस्ट नंबर है ये शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम टॉप बॉटम रूल्स का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सॉरी टॉप जो हमारे, तो इस तरह से आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लूँगी डाटा बार, डाटा बार में जो हमारे नंबर ज़्यादा हैं उसमें कलर ज़्यादा है, और जो कम है उनमें कलर कम फिल है। तो इस तरह से आप डाटा बार से भी अपनी सीट को शो करा सकते हैं। और आगे हम आते हैं कलर स्केल में, यहाँ पे कलर स्केल से भी आप अपने नंबर को हाईलाइट कर सकते हैं। हाईएस्ट नंबर और जो है वो ग्रीन में है, जो उससे कम है वो येलो में है, और जो उनसे कम है, तो इस तरह से ये दे रखे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कलर, इस तरह से आप यहाँ पे कलर स्केल का भी यूज कर सकते हैं और आइकन सेट भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट एज टेबल में हम अपने सीट में डाटा फिल्टर लगाते हैं। डाटा फिल्टर का यूज क्यों करते हैं ये मैं आगे आने वाली अपनी वीडियो में बताऊंगी। तो फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करके दिखाती हूँ, और एक ऑप्शन में मैं क्लिक करती हूँ किसी भी एक ऑप्शन में, और ओके करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं ओके करूँगी तो यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा हमारे इस सीट में। और ये फिल्टर का यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि अभी मैं अगर बताती हूँ तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको देखिए कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने इस फिल्टर का। पीछे देखिए डाटा फिल्टर लग चुका है, लेकिन इसका कलर देना है तो तरह तरह के यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं।
नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेल स्टाइल, अपने सेलों को स्टाइल देना है, कलरफुल देना है, तो यहाँ से सेल स्टाइल का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम आते हैं इंसर्ट ऑप्शन में, इंसर्ट सेल, इंसर्ट इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम। इंसर्ट अगर आपको एक्स्ट्रा रो या कॉलम चाहिए तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा रो और कॉलम ले सकते हैं। तो देखिए कर्सर मैंने बी के पास रखा है, मुझे एक रो चाहिए थी, तो यहाँ से इंसर्ट जाते हैं और यहाँ पे बीच में देखिए मैंने कर्सर रखा है और एक टेबल मुझे सॉरी एक कॉलम चाहिए थी, यहाँ से कॉलम आ चुकी है। और इसी तरह से अगर आपको रो चाहिए, एक्स्ट्रा रो बढ़ानी है कहीं पे, रो एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ से आप कर्सर रखेंगे और यहाँ पर आप इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट रो कर देंगे। तो किसी तरह इस तरह से आपको रो और कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए होती है तो इंसर्ट ऑप्शन से आप रो और कॉलम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और यही यही चीज़ आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट और इंसर्ट दोनों का ऑप्शन है, तो मैंने डिलीट कर रही हूँ, देखिए या डिलीट ऑप्शन से भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, इसको बहुत डिटेल से समझने की बहुत दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं होती है। उसके बाद फॉर्मेट नंबर है, फॉर्मेट में यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं, इसका भी मुझे डिटेल से वीडियो आगे बनानी पड़ेगी और मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। फिलहाल तो मैं इतना बता देती हूँ कि किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट सेल का जो यूज होता है, जो जिसके ऑप्शन मैं आगे पहले बता भी चुकी हूँ, तो इस तरह से देखिए फॉर्मेट सेल और ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में यहाँ पे मैं बता के दिखाती हूँ, अलाइनमेंट में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेंटर कर देते हैं और वर्टिकल सेंटर कर देते हैं, रैप टेक्स कर देते हैं और ओके करते हैं। यहाँ से आप ओरिएंटेशन जो पहले पहले बताया था वो वाला ऑप्शन भी है, ओके करते हैं तो किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग हो जाती है। जो ऑप्शन हमने पहले यूज किए थे वही हैं, ये डिटेल्स हैं थोड़े से। तो माई नेम इज़ देखिए यहाँ पर मैंने प्रभाव टाइप कर दिया है और इस सेल की फॉर्मेटिंग हो चुकी, तो ये हमारा टेक्स्ट इसी सेल के अंदर, इस सेल से बाहर नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ हम इसको बोलते हैं फॉर्मेट सेल। तो अब हम आते हैं ऑटो सम में, यहाँ पे मैं सब डिलीट कर चुकी हूँ, देखिए सारे मार्क्स को मैं सेलेक्ट करके एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर आ चुका है 392, यहाँ पे टोटल नंबर आ चुके हैं सीता के। और ये नीचे आपको स्टेटस बार में भी दिखाई देगा कि टोटल नंबर कैसे आते हैं, और इसे हम ड्रैग करके हम सारे नंबर्स को एक साथ, देखिए सारे नंबर हमने ड्रैग करके ले लिए हैं। और इसे हम एक शॉर्टकट और होता है कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, इसके नीचे एवरेज भी दे रखा है, देखिए यहाँ पे सारे काउंट मैक्सिमम मिनिमाइज भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लिक करते देखिए एवरेज, तो यहाँ एवरेज आ चुका है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए काउंट नंबर कितने, टोटल नंबर 9 है तो 9 आ चुका है। और इसको फिर से मैं सेलेक्ट करके एक सेल एक्स्ट्रा करती हूँ, ऑटो सम में आते हैं, काउंट नंबर देखिए टोटल हमारे 9 नंबर, तो 9 नंबर आ चुके हैं। और फिर से मैं बताती हूँ आपको, आगे आते हैं हम मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज नंबर हमारा ये है और मिनिमाइज कौन सा है ये। तो इस तरह से आप यहाँ से ऑटो इस ऑप्शन से आप इन सब का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट आते हैं फिल में, तो फिल में यहाँ पे डाउन राइट अप लेफ्ट है, इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ नंबर को हम डिलीट कर देते हैं, कर्सर यहाँ पे मैंने रखा है, और आते हैं फिल में, फिल में मैंने राइट के यहाँ पे मैं डाउन कर रही हूँ, तो डाउन में यहाँ पे देखिए इसका ऑटोमेटिक इसका जो फॉर्मेट है, देखिए यहाँ पे टास्क बार में सॉरी स्टेटस बार में 338 आया था, तो ऑटोमेटिक ये फार्मूला लग चुका है। अब हम आते हैं लेफ़्ट राइट, इसका यूज करते हैं, देखिए लेफ़्ट साइड में जो हमारा डिजिट था वो ऑटोमेटिक आ चुका है, यानी उसका डुप्लीकेट आ चुका है 84। यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे राइट किया तो यहाँ पे राइट आ चुका है। क्लियर फॉर्मेटिंग में आपने जो अपने टेक्स्ट में अपनी शीट में जो फॉर्मेटिंग लगाई है उसे क्लियर करने के लिए होता है। तो पहले शीट को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और एक सेलेक्ट करके मैंने एक फॉर्मेटिंग कर देती हूँ, थोड़ा सा मैंने रेड कर दिया है। और अब इसको फिर से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे से मैं थोड़ा सा कलर भी डाल देती हूँ, तो ये इसे कहते हैं हम फॉर्मेटिंग करना। और अब इसे हम सेलेक्ट करते हैं और क्लियर में आते हैं, तो क्लियर ऑल करते हैं, तो ये देखिए पूरा सीट हमारी क्लियर हो चुकी है। और अंडू कर देते हैं, अंडू करने के बाद क्लियर फॉर्मेट जो फॉर्मेटिंग की थी वो सारी क्लियर हो चुकी है। और नीचे क्लियर कंटेंट, कंटेंट क्लियर हो चुके हैं, और क्लियर कमेंट, अगर आपने इसमें कमेंट दिया तो यहाँ से क्लियर कमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर हो चुकी है और यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से मैं शीट को वापस, अब हम मैं नेक्स्ट बताऊँगी शॉर्ट का,
शॉर्ट में हम अपने टेक्स्ट को अल्फ़ाबेटिक लगा सकते हैं, तो देखिए अल्फ़ाबेटिक हो चुका है। और यही चीज़ आप नंबर का भी कर सकते हैं, अपने सीट में नंबर को नंबरिंग से लगाने के लिए आप नंबर का भी यूज करेंगे। तो यहीं पे आप देखेंगे नीचे आएगा A to Z, नंबर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम क्लिक करते हैं। तो देखिए सारे हमारे जो नंबर्स हैं, रॉ नंबर हैं, नंबर वाइज लग चुके हैं, 12,300, 12,301, 12,302, ये नंबरिंग में लग चुके हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड सेलेक्ट का यूज कब करते हैं, जब हमारी सीट में हमें कोई भी कोई ऐसा शब्द है जिसे ढूंढना होता है जो हमारी सीट में हमें मिल नहीं रहा है, उसके लिए फाइंड में आएंगे। और यहाँ पे हमने 100 टाइप किया, तो देखिए 100 जहाँ जहाँ है ये देखिए ऑटोमेटिक कंप्यूटर हमारा सर्च कर रहा है, फाइंड कर रहा है उसको, जहाँ जहाँ 100 दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 100 पे सेलेक्ट कर दे रहा है। और उसके बाद रिप्लेस है, पूरी सीट में 100 जहाँ जहाँ है मुझे 100 नहीं चाहिए, उसकी जगह पे मुझे दूसरा नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 500 टाइप कर दे रही हूँ और रिप्लेस कर रही हूँ। तो रिप्लेस ऑल करते करते ही देखे जहाँ जहाँ 100 था वहाँ वहाँ 500 हो चुका है, यानी कि एक शब्द बार बार रिपीट, एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, उसे आपको चेंज करना है, उसके लिए आप रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे। तो देखिए रिप्लेस ऑल किया हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको होम टैब में खुलने वाले रिबन की जानकारी दी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।